मिल्क प्रोडक्शन एंड लैक्टेशन फर्स्ट था कॉन्टेंट्स ग्लैंड लैक्टेशन हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मिल्क प्रोडक्शन एंड कॉलेस्ट्रॉल फर्स्ट था मैमरी ग्लैंड मेमरी ग्लैंड आर एक्चुअली द यूनिक फीचर ऑफ मैमल्स मैमल्स जो है तमाम एनिमल से जो अलग जो चीज इनको सेपरेट करती है वो है प्रेजेंस ऑफ मेमरी ग्लैंड मेमल्स के जैसे डेफिनेशन भी जब हम करते हैं कि मैमल्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अपने यंग वन को मिल्क फीड करते हैं तो जो मिल्क फीडिंग ऑफ मिल्क होती है थ्रू द मैमरी ग्लैंड होती है द द प्रेजेंस ऑफ ग्लैंड इज यूनिक फीचर ऑफ यूनिक फीचर का मतलब है किसी और ग्रुप में यह फीचर एग्जिस्ट नहीं करता है ये सिर्फ और सिर्फ मैमल्स का ही फीचर है सो मेमरी ग्लैंड आर एक्चुअली इवॉल्व फ्रॉम द स्वेट गलैंड मेमरी ग्लैंड जो वो स्किन के ही ग्लैंड हैं जिस तरह से स्वेटिक ग्लैंड है बॉडी के अंदर इस तरह से स्किन के जो है वो मॉडिफाइड जो स्वेटिक गलैंड हैं वो मेमरी ग्लैंड में कन्वर्ट हो गए एंड दे आर स्पेशलाइज फॉर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क स्वेटिक ग्लैंड तो स्वेट प्रोड्यूस करेंगे लेकिन जो मेमोरी ग्लैंड है ये ऐसी मॉडिफाइड ग्लैंड हैं जो कि मिल्क प्रोड्यूस करेंगे और यंग वन को फीड करेंगे सो लैक्टेशन लैक्टेशन इज एक्चुअली द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग मिल्क एंड द इजैक्यूलेशन ऑफ मिल्क फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड ये जो है जिसमें दो चीजें आ जाएंगी प्रोडक्शन ऑफ मिल्क के मिल्क को प्रोड्यूस करना विद इन द मेमरी ग्लैंड मेमरी ग्लैंड के अंदर मिल्क की प्रोडक्शन जो है ये लैक्ट्रेशन आएगी और इसके अलावा दूसरा इसका आएगा रिलीज ऑफ मिल्क फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड कि यंग वन जब फीड करेगा तो मिल्क जब रिलीज होगा तभी उसको फीड कर सकेगा तो प्रोडक्शन ऑफ मिल्क एंड रिलीज ऑफ मिल्क फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड इज द लैक्टेशन हाउ द इलेक्ट्रेशन प्रोसेस अकर्स अब लेक्टेशन का प्रोसेस जो है वो ये किस तरह से होता है इसमें कौन कौन से हार्मोन इन्वॉल्व है मेनली जो हार्मोन हमारी बॉडी में जो फीमेल की बॉडी में जो है दैट इज द प्रोलेक्टिन हार्मोन प्रोलेक्टिन हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाई द पिच्यूटरी ग्लैंड पिच्यूटरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होगा इट विल इफेक्ट द ब्रेस्ट ये ब्रेस्ट को इफेक्ट करेगा जिससे आस्ता आस्ता क्या होगा कि मेमरी ग्लैंड डिवेल्प होना शुरू हो जाएंगे और इनलार्ज होना शुरू हो जाएंगे मेमरी ग्लैंड जैसे इन लार्ज होंगे हैपन एक्चुअली ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी अब ये प्रोसेस जो प्रोलेक्टन की जो प्रोडक्शन है ये कब हो रही है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी हो रही है लेकिन इसके अंदर जो फर्दर जो मिल्क प्रोडक्शन का काम है उसको स्टॉप करवा दिया जाता है ड्यू टू दार्मोन ऑफ प्रोजेस्टिरोन एंड द ऑक्सीटोसिन ऑक्सीटोसिन और प्रोजेस्टिड हार्मोन क्योंकि यंग वन अभी मदर के बॉडी के अंदर ही है वहां जो प्लेसेंटा है वो ज्यादा अमाउंट में क्या कर रहा है प्रोजेस्टिरोन हार्मोन प्रोड्यूस करवा रहा है इससे एस्ट्रोजन मदर प्रोड्यूस कर रही होती है तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टिरोन दोनों मिलकर प्रोलेक्टर हार्मोन को फॉर द टाइम बींग इसको इनहेबिट करेंगे लेटर ऑन जब बर्थ हो जाती है या ड्यूरिंग बर्थ का प्रोसेस जो होता है वो यंग वन जैसे ही बॉडी के बाहर आता है तो उसके साथ ही प्लेसेंटा जो है वो भी रिलीज हो जाता है जब प्लेसेंटा बॉडी से बाहर आ जाएगा तो अब मदर की बॉडी के अंदर प्रोजेस्टिरोन हार्मोन का लेवल डिक्रीज करेगा जैसे प्रोजेस्टिन और हार्मोन का लेवल डिक्रीज करेगा तो प्रोलेक्टिन को दोबारा स्टिमुलेशन मिलेगी नाउ इट इज अगेन एक्टिवेटेड प्रोलेक्टिन दोबारा क्या करेगा एक्टिवेट होगा और अब ये ब्रेस्ट के अंदर दोबारा से जो है वो मिल्क प्रोडक्शन जो है उसको जो है उसको स्टार्ट करवा देगा सो so नॉर्मली जब प्रोलेक्टिन हार्मोन जो है वो उसको दोबारा स्टिमुलेशन से सेकेंड जो फर्स्ट था वो ये था कि प्रेगनेंसी के दौरान प्रोलेक्टिन ने जब से मेमरी ग्लैंड को इनलार्ज किया था अब टाइम जब स्टिमुलेशन इसको मिलेगी तो इट विल एक्चुअली स्टार्ट द ऑफ मिल्क मिल्क ये milk की देंथिस स्टार्ट करवाएगा इसके साथ ऑक्सीटोस हार्मोन इसको हेल्प करेगा ड्यूरिंग द फीडिंग क्या ऑक्सीटोसन हार्मोन मिल्क की रिलीज में क्या करेगा हेल्प आउट करेगा तो इसका प्रोलेक्टिन एंड ऑक्सीटोसन ये दोनों हार्मोन जो है वो मिल्क मिल्क को इजेक्ट करने में मिल्क को रिलीज करने में क्या करेंगे हेल्प आउट करेंगे कोलेस्ट्रोम कोलेट्रोम ज ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ फ्लूड आपने आमतौर पर देखा होगा डॉक्टर्स कहते हैं कि जब जैसे बच्चा पैदा होता है तो उसको सबसे बेहतरीन जो गजा है वो मदर का मिल्क है उसको मदर में उसको, जो, उसको फीड मदर फीड करवाए उसको अब इसकी रीजन ये है इसकी रीजन ये है कि जैसे बच्चे की बर्थ होती है तो उस वक्त जो मर्द की, मदर की जो ब्रेस्ट में उसके मेमरी ग्लैंड में जो लिक्विड मौजूद होता है दैट इज नॉट एक्चुअली द मिल्क वो मिल्क नहीं होता बल्कि उसको हम कोलस्ट्रोम बोलते हैं कोलस्ट्रोम एक्चुअली प्रोटीन रिच मीडियम होता है तो इस तरह से ये होता है कि दिस इज एक्चुअली प्रोटीन रिच मीडियम विच कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ एंटीबॉडीज अब जैसे ही जो कोले कोलेस्ट्रोम का एक बेनिफिट तो ये होगा इट इज गिविंग इम्यूनिटी टू द यंग वन जो कि वो नए इन्वायरमेंट बच्चा आता है तो यहां जो डिफरेंट एन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं उसको अफेक्ट करेंगे तो कोलास्ट्रोम उसको क्या करता है बचाता है या उसकी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करता है सेकेंड जो रोल है कोलेस्ट्रोम का वो ये कि इट एक्ट्स एज अ लेगजेटिव Lexative कहते हैं जो कब्ज गुशाल चीज होती है अब चूंकि जो यंग वन जो बेबी था जब मदर के बॉडी के अंदर था तो उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में जो चीजें थी वो वही की वही रुकी हुई है अब कोलेस्ट्रम क्या करेगा उस जो मटेरियल जो इंटेस्टाइन के अंदर मौजूद है उसको क्या करेगा निकालेगा उसको जो वो रिलीज कराएगा अब ये जो मटेरियल होता है जो बॉडी से रिलीज होता है इट इज अ ब्लैकेशन कलर होता है नॉर्मली जिसको मैकोनियम का नाम दिया जाता है यानी जो बच्चा सबसे फर्स्ट टाइम जो अपनी जो डाइजेस्टिव uh, सिस्टम जो मटेरियल रिलीज कराएगा दैट इज द मैक्रोनियम है मिल्क प्रोडक्शन एक्चुअल मिल्क है यह आमतौर तो पर एक से तीन दिन के वक्फे के दरमियान मदर के अंदर प्रोड्यूस होना शुरू होगा जो शुरू में है वो कोलेस्ट्रोल है एक से तीन दिन के बाद आहिस्ता आहिस्ता मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी नाउ द रियल मिल्क विल बी देयर और वे को फीड करेगा